नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूँ कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के फुटबॉल स्टेडियम में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीकाकरण केंद्र लगा हुआ है, यानी कि जो कोरोना संक्रमण है उसे बचाव के लिए यहाँ पर टीकाकरण केंद्र लगाया गया है। प्रत्येक दिन हर एक व्यक्ति को यहाँ पर वैक्सीन लगाया जाता है। इसी सिलसिले में आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस स्टेडियम में पहुंचे, इस टीकाकरण केंद्र पर जायज़ा लेने पहुंचे कि आखिर यहां पर सब कुछ कैसे हो रहा है। जहां पर आज बन्ना गुप्ता ने कुछ इससे संबंधित बातें भी कही, उनका कहना है कि अब झारखंड राज्य पूरे भारत देश में अव्वल नंबर पर है। यहाँ की जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि 99.90 कुछ रेट है यहाँ की। इसका मतलब है कि जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे ज़्यादा जल्दी, उससे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ की रिकवरी रेट है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये जो मोराबादी का ये केंद्र है, टीकाकरण केंद्र, ये भी पूरे झारखंड में बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से प्रत्येक दिन राज्य के हर एक नागरिक को टीकाकरण किया जा रहा है, इससे वो जल्द ही उम्मीद है कि पूरे राज्य में लोग कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि आप अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि हर दिन किसी ना किसी टीकाकरण केंद्र से ये खबर सामने आती है कि वहाँ पर वैक्सीन की कमी हो गई है। वैक्सीन की कमी के वजह से टीकाकरण रोक दिया जाता है। तो अब देखना ये होगा कि ऐसे में सरकार, बन्ना गुप्ता जो है स्वास्थ्य मंत्री है, वो किस तरह से सभी टीकाकरण केंद्र और अस्पतालों में वैक्सीन बराबर मुहैया करवाती है। इससे पहले देखें कि क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने। हमारे आयोजक साथियों, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी चिकित्सक और उनके सहकर्मी, आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि आप सभी लोगों के सफल प्रयास से झारखंड में हम कोरोना के दूसरे चक्र पर करीब करीब कामयाबी प्राप्त कर चुके हैं। और आज के दिन हमारा रिकवरी रेट 98.45% है और मामले भी 256 या 57 के आसपास आज पॉजिटिव बचे हैं। उन पर भी जल्द ही हम काबू पा लेंगे। उस वैक्सीन से ज्यादा लोग लाभान्वित हो और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। जिस तरह से यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, प्रत्येक दिन लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, इसे लेकर राज्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने किन किन विषयों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए? यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया है सारे जगहों का, जैसे टीकाकरण चल रहा है, और उससे वो संतुष्ट भी नज़र आ रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि अभी हम लोगों का टीकाकरण, जितना भी हम लोग को टीका उपलब्ध कराया जा रहा है उसके हिसाब से ठीक है। हमारी उपलब्धियाँ को, जो पिछले जो सेकेंड वेव था उसमें उनकी उपलब्धियों को बताया गया कि हमारा रिकवरी रेट अच्छा है, कितने लोग रिकवर, 98 point something कुछ रिकवरी रेट है, ठीक है। कुछ लोग बचे हुए हैं अभी भी, वो जो पॉजिटिव हैं वो भी बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। टीकाकरण का कार्यक्रम स्मूथली सभी जगह पे चल रहा है, जो उपलब्ध हो रहा है उतना टीकाकरण किया जा रहा है, और निरीक्षण करके यहाँ की स्थितियों से वो संतुष्ट नजर आए। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राज्य में कभी कभी जो है वैक्सीन की कमी नज़र आ रही है, बहुत कम यहाँ पे खुराक आ रहे हैं, तो आपके केंद्र पर कभी ऐसा होता है कि वैक्सीन की कमी हो जाती है? हमें जो उपलब्ध कराया जाता है समय समय पर टीका आते रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जितने उपलब्ध हैं उसके हिसाब से जितने हमारे मानव संसाधन हैं सभी को हम लोग लगाते हैं, और जैसे कम रहता है तो कम जगह पे चल पाता है, जब ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा जगह पे कर पाते हैं। तो उपलब्धि तो हमारा लगभग अच्छा ही रहा है, जैसा कि आज का पेपर में भी आया था कि रांची शायद पूरे भारत में सबसे अच्छे शहरों में से है जो रिकवरी, मतलब जो अचीवमेंट है टीकाकरण को लेकर, जो उपलब्ध टीके हैं उनके अनुसार। सर, अभी तक प्रत्येक दिन कितने लोग, कम से कम कितने लोगों का टीकाकरण इस केंद्र पर होता है? ये डिपेंड करता है वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार। जैसे आज यहाँ पे 600 लोगों के टीकाकरण के लिए व्यवस्था की गई है, कल यहाँ पे 1200 लोगों की व्यवस्था थी, तो
तो जैसे जैसे टीका उपलब्ध रहता है उसी के हिसाब से सारे जगह पे टीका का बंटवारा किया जाता है, ताकि किसी एक जगह पे लोगों की भीड़ ना हो और लोगों को हर एक कोने पे शहर के कहीं ना कहीं टीकाकरण उपलब्ध हो, ताकि उनको ज़्यादा दूर तक जाना ना पड़े। आपके डेटा के अनुसार यहाँ पर किस तरह के, किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा आ रहे हैं? सभी आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं, चूँकि अभी तक वो आयु वर्ग वाला सिस्टम हट गया है। अभी हर एक सेंटर पे 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं सभी लोगों का टीकाकरण हो रहा है। तो लगभग अभी चूँकि पहले से जो 45 प्लस के लोगों का टीकाकरण शुरू से चल रहा है, तो अभी ज़्यादातर जो है वो 18 प्लस से 44 के बीच वाले लोगों का, चूँकि टीकाकरण पहले नहीं हो पाता था, अभी उनका शुरू हुआ है, तो उनकी भीड़ अभी भी है। जिस तरह से आप यहाँ के सेंटर हेड है, तो आप संतुष्ट है कि जिस तरह से यहाँ पर टीकाकरण वैक्सीन आ रहे हैं, जितने आ रहे उतना डोज से आप संतुष्ट हैं? हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि हमारे राज्य के हमारे जिले के हर एक लोगों को टीकाकरण ना हो जाए। जो उसके लिए लक्षित समूह है उनको अगर हम टीकाकरण नहीं कर लेते तब तक तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते। देखा आपने बड़ी बात कही इन्होंने कहा कि ये तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि पूरे राज्य में हर एक व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हो जाता। इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आए और इन्हें प्रोत्साहित किया उन्होंने। उनका कहना है कि जो ये सेंटर है यहाँ पर सभी कुछ अच्छे से हो रहे हैं डोज के हिसाब से। इनका कहना है कि डोज के हिसाब से प्रत्येक दिन का आंकड़ा निकाला जाता है।